फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लाइफ एट टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ, वो भी 10,000 कैंडिडेट के सर्वे के बाद। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, 10,000 कैंडिडेट का सर्वे किया गया है, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया गया, पूरा 10,000 कैंडिडेट के सर्वे के बाद इस पे कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, हमारे लाइफ एट टीचिंग चैनल बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता है। तो हमारे लाइफ एट टीचिंग ने चैनल ने यूट्यूब पर और एग्जाम सेंटर पर, जो ग्रुप डी एग्जाम सेंटर थे और कॉलेज के फ्रेंडों के साथ, और अपने चैनल से और वीडियोज और वेबसाइट से ये सर्वे किया है। जी दोस्तों, वेबसाइट और अपने चैनल और यूट्यूब और एग्जाम सेंटर, हर जगह जाकर कम से कम 10,000 प्लस अपने कैंडिडेट्स को जो थे उनसे ये पूछा गया कि आपने कितने क्वेश्चन किए, यानी पूरा सर्वे किया गया है। तो बिल्कुल ये कट ऑफ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि हमने खुद नहीं बनाया है कट ऑफ, ये एक पूरा सर्वे के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। कोई भी इसमें हम लोगों के अपने स्टूडेंटों के साथ ऐसा नहीं करना चाहते कि वो खराब हो जाए। ठीक है, देखिए 80% कैंडिडेट ने 50 का बिल्कुल सही कहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने जो अपने 10,000 प्लस कैंडिडेट का सर्वे किया उसमें 80% ने कहा कि 50 बिल्कुल सही है, उसके आगे बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने दोस्तों पूछा था, उन्होंने ऐसा ही कहा था, क्योंकि 50 प्लस ही होगा, मतलब कट ऑफ आपकी कम ही जाने वाली है। आपको कट ऑफ हुआ वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए, और 8% ने कहा 60% कैंडिडेट जो थे पहले ही, उसमें जो अपने 2 करोड़ लोग थे उसमें 60% अटेंडेंस रही थी, जिसके कारण जो कैंडिडेट है वो कम हो गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कहा कि मैंने सिर्फ 50 ही किया, 80% जिसमें मैंने 10,000 का सर्वे किया था। ठीक है, और वहीं 8% कैंडिडेट ने कहा कि मैंने 60 बिल्कुल सही किया, यानी कि उन्होंने 80 क्वेश्चन किए होंगे उसमें से 60 सही होंगे, तो हिसाब से माइनस मार्किंग भी इस ब्रैकेट होती है, इसके हिसाब से और भी नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि कट ऑफ मैं समझ लीजिए बहुत ही कम जाने वाली है। वहीं 6% ने कहा कि 62 सही है, बाकी ने 70 का बिल्कुल सही कहा, यानी कुछ जो एक दो कैंडिडेट, मतलब कुछ कैंडिडेट को मिला ले तो उन्होंने 70 प्लस का स्कोर किया होगा, 70 से 75 के बीच, बाकी सब ने तो 50 ही किया होगा। ठीक है, बाकी अपने को मतलब है कि उन सब कैंडिडेट से जो 80%, यानी कि आपका उसमें नंबर भी आ सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि अब उनके सारे सही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने कहा 50 सही है तो 50 बिल्कुल सही नहीं हो सकते, क्योंकि कम भी हो सकता है। तो ये हिसाब से समझ लीजिए कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए, हम कट ऑफ को पूरे एनालिसिस, यानी कि 2 करोड़ बच्चे में से 60% अटेंडेंस रही थी, जिसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आपका पूरा डाउट इस वीडियो में पूरा क्लियर ही कर दूंगा। देखिए, कट ऑफ जो थी 2014 की जो गई थी ग्रुप डी की, वो काफ़ी कम गई, ज़्यादा गई थी। ठीक है, मतलब अजमेर की 85 गई थी लगभग, लेकिन यहाँ पे इस बार जो पेपर हार्ड आया है जिसके कारण 55 जो कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है, जहाँ जनरल की 55, ओबीसी की 52 और एससी की 45 जाएगी, एमएमएसटी की 39 जाएगी। जी, जनरल और ओबीसी के बीच सिर्फ 3 का ही अंतर होगा। ठीक है, बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होंगे उनकी 34 से 40 तक जा सकती है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, 10,000 कैंडिडेट के सर्वे किया है, और साथ ही साथ इसमें मतलब जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कट ऑफ जाएगा जरूर, लेकिन इसे कम जो हो सकता है इसे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड था दोस्तों। आप लोगों ने भी दिया होगा अगर एग्जाम, क्योंकि आपने दिया हुआ इसीलिए वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, इस जो कट ऑफ है बिल्कुल सही है। जी हाँ, आपने कमेंट किया है, तो आप लोगों को अगर आप कमेंट करके बताना मुझे कि आपने क्या, आपको वीडियो जो सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, अब देखिए कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ के बारे में आपको मैंने नया वीडियो लाया हूँ जो सर्वे के हिसाब से, तो आप लोग एक और मेरी हेल्प कर दीजिए कि आप लोग जोन वाइज कमेंट कर दें, यानी कि अपना जो इस वीडियो के कमेंट में जाकर अपना जोन लिख दीजिए कि मेरा ये जोन है और मैंने इतने क्वेश्चन किए और मेरे इतने सही है, उस हिसाब से आपको मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिजिकल की तैयारी करें शुरू करें कि नहीं करें। ठीक है, कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट कर रिप्लाई जरूर करता हूँ। और देखिए, आप लोग कमेंट में मतलब किया कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।